हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले बंधन बैंक और एचडीएफसी बैंक के बीच में जो मर्जर हो रहा है उस चीज के बारे में। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, पहली चीज तो बंधन बैंक और एचडीएफसी का डायरेक्ट मर्जर नहीं हो रहा। एक्चुअली एचडीएफसी का एक सब्सिडियरी है जो की है ग्रह फाइनेंस, उसके साथ बंधन बैंक का मर्जर हो सकता है। इस तरीके की स्पेकुलेशन मार्केट में फ्लॉट हो रही है, अभी तक भी ऑफिशियली कुछ भी न्यूज नहीं आई है। तो देखिए, ग्रह फाइनेंस के जो प्रमोटर है वो एचडीएफसी है, और देखिए बंधन बैंक जो है वो ग्रह फाइनेंस के साथ मर्जर करेगा, अगर किया तो, इस तरीके की न्यूज बन रही है। बट ऑफिशियली बोर्ड की कोई भी मीटिंग नहीं हुई है, अगर बोर्ड की मीटिंग होती तो डायरेक्टली एक्सचेंज को बता दिया जाता। तो चलिए फिर मैं आपको और आगे की बात बताता हूँ। देखिए, जाहिर सी चीज है, अगर दोनों का मर्जर हो जाता है तो भाई देखिए ये एक तरीके का एक्सप्लोर करेगी, और भाई ये आप बहुत ही अच्छा है। जिन लोगों ने इसमें पोजीशंस ले रखी होंगी, आप समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा जैकपॉट टिकट साबित होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, एचडीएफसी ने जब स्टॉक एक्सचेंज में उनसे क्वेरी करी तो क्या बोला उन्होंने, देखिए ये कहा कि ग्रह फाइनेंस जो है वेरियस तरीके के बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज को देखती रहती है, जिससे वो सेल कर सके अपने लोन और एसेट को, और देखिए जो कि उसके फिजिबल मोड्स हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए। तो देखिए, उन्होंने अभी भी एक साफ बात कही है एचडीएफसी ने कि कोई भी डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है। तो आप इस चीज को मान के चलिए कि मर्जर अभी नहीं हुआ है, मर्जर हो सकता है और नहीं हो सकता वो अभी पता चलेगा जब ऑफिशियली कोई न्यूज आएगी। तो देखिए, सितंबर में क्या हुआ था, आरबीआई ने बंधन बैंक के ऊपर नई ब्रांचेस खोलने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। उसी बाद आपको पता होगा बंधन बैंक बहुत तेजी से गिरा था, क्योंकि वजह थी प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स थी उनको रिड्यूस करने के लिए आरबीआई ने बोला था, और एक डेडलाइन दी थी जो कि 22 अगस्त थी, जो कि आ भी गई और चली भी गई, और उन्होंने अपने प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स थी उनको डाइल्यूट नहीं कर पाए। उसी वजह से बंधन बैंक में बहुत बड़ी गिरावट भी आई थी। लेकिन नो डाउट बंधन बैंक बहुत अच्छी एक स्टॉक है, अगर आप यहाँ पे पोजिशन बनाते हैं तो देयर इज नो डाउट ये आपको बहुत अच्छा पैसा बना के देगा। और अगर मर्जर हो जाता है तो आप मान जाइए कि फिर तो कोई कहने ही नहीं है, बहुत ही अच्छी न्यूज है और ये बहुत पॉजिटिव न्यूज समझिए। दूसरी चीज, अभी भी देखिए आपको मैं बता दूं, ये सब स्पेकुलेशंस पे ही डिपेंड है, मर्जर अभी तक नहीं हो रहा। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो देखिए, ग्रह फाइनेंस जो है एक्चुअली इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो तकरीबन 24,000 करोड़ का है, और बंधन बैंक का वैल्यूएशन जो है मार्केट में वो 63,000 करोड़ का है। ठीक है, तो देखिए बंधन बैंक एक्चुअली 82% की वैल्यू, 82% की प्रमोटर्स की वैल्यू रखता है, और देखिए अगर मर्जर हो जाता है तो ये 82% जो है वो 59% की प्रमोटर्स की भागीदारी रह जाएगी। ठीक है, और देखिए एचडीएफसी बैंक फिलहाल जो है 58% की इक्विटी रखता है ग्रह फाइनेंस में। तो चलिए आगे देखते हैं किस तरीके की कंपनी है ग्रह फाइनेंस। देखिए, एक तरीके की ट्रिपल ए रेटेड कंपनी है, यानी कि इनके अंदर जो रिस्क है वो बहुत ही कम है। मैं आपको बता दूं, अभी पीछे ही कुछ महीनों पहले जब सारी की सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां गिरी थी, तो ये भी कंपनी गिरी थी ग्रह फाइनेंस, लेकिन इसने इतनी जल्दी अपने आप को रिकवर किया, जो दिखाती थी कितनी पोटेंशियल और कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रेंथ अपनी कंपनी रखती है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, एचडीएफसी में जिस तरीके का एनपीए बहुत कम है, उसी तरीके से ग्रह फाइनेंस में भी के अंदर भी एनपीए बहुत कम है। और देखिए, इनका नेट प्रॉफिट जो है वो 220 करोड़ का था फाइनेंशियल ईयर 2019 में पहले हाफ का। तो देखिए, ये सब एक बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहे हैं। अगर आप इनके वन ईयर के जाके अगर आप इनके रिटर्न्स देखें तो वो भी बहुत अच्छे हैं। और देखिए, इसमें नो डाउट नहीं है कि एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है। और देखिए, अगर आगे कोई और न्यूज अभी बनती है, ऑफिशियल कोई न्यूज आएगी, तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके आगे जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहिए। चलिए, थैंक यू।